खंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 39 आईएएस समेत 45 अधिकारियों के तबादले किए गए। सीएम धामी ने ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। पीसीएस और आईएफएस अफसरों के भी तबादले किए गए हैं। बड़े पैमाने पर अधिकारियों के विभागों में बदलाव लाया गया है। देहरादून हरिद्वार समेत कई जिलों के डीएम बदले गए हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को सचिव सीएम की जिम्मेदारी मिली है, तो हरीश सेमवाल नए आबकारी आयुक्त होंगे। सविन बंसल को देहरादून का डीएम बनाया गया है। तो 39 आईएएस समेत 45 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले हुए हैं। देहरादून और हरिद्वार समेत कई जिलों के डीएम भी बदले गए हैं और साथ ही कई अफसरों के विभाग भी बदले गए हैं। 6 जिलों के जिलाधिकारी सहित 45 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत को सचिव सीएम की जिम्मेदारी दी गई है, तो हरीश सेमवाल नए आबकारी आयुक्त होंगे और नामों की लिस्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बता दें कि झरना कमचान को महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा का जिम्मा सौंपा गया है, तो वहीं सोनिका के स्थान पर सविन बंसल को देहरादून का डीएम बनाया गया है। दिराज सिंह गर्बयाल की जगह कमेंद्र सिंह को हरिद्वार का नया डीएम बनाया गया है। तो वहीं पिथौरागढ़ की बात करें तो डीएम रीना जोशी की जगह विनोद गिरी गोस्वामी को अब जिम्मेदारी दे दी गई है। बागेश्वर की डीएम अनुराधा पाल का तबादला किया गया है, तो वहीं आपको बता दें कि उनकी जगह आशीष बटकई को भेजा गया है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, क्योंकि देखिए यहां पर 39 आईएएस अधिकारी हैं और समेत 45 तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनके कार्यभार भी बदले गए हैं और दूसरी तरफ विभागों में भी अदल बदल किए गए हैं। देखिए, ये बहुप्रतीक्षित एक फेरबदल की सूची थी और इसका इंतजार पिछले कई महीने से हो रहा था। जिला अधिकारियों के तबादले होंगे, कमिश्नर बदले जाएंगे, सचिव प्रमुख सचिव बदले जाएंगे, तो ये एक, और मैं ये कह सकता हूं कि अनुभव के आधार पर कि ये एक बेहद संतुलित ट्रांसफर लिस्ट है जिस पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप भी आपको यहां पर नजर नहीं आता, सतही तौर पर भी नहीं और डीपली तौर पर भी नहीं। तो बहुत सही लिस्ट इस बार बहुत दिन बाद सरकार ने निकाली जिस पर किसी तरह की कोई उंगली नहीं उठी है। सभी जो अच्छे ऑफिसर थे उनको बढ़िया पोस्टिंग दी गई है और जैसे मुख्यमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री सचिवालय का भी रिसफल किया, मीनाक्षी सुंदरम जो उनके सचिव थे आईएएस अफसर और विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते उनको भी वहां से हटा दिया है। और इसके अलावा जिलाधिकारी जैसे देहरादून में सविन बंसल साफ सुथरी छवि के अधिकारी माने जाते हैं, नैनीताल अल्मोड़ा के डीएम रह चुके हैं और अभी अपर सचिव हैं शासन में, उनको बागडोर दी गई है। राजधानी का जिलाधिकारी एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्टिंग होती है। हरिद्वार चूंकि सबसे सेंसिटिव जिला हरिद्वार है धार्मिक गतिविधियों के हिसाब से भी और पॉलिटिकल भी, वहां भी कर्मेंद्र सिंह को भेजा गया है। कर्मेंद्र सिंह एडिशनल सेक्रेटरी थे शासन में और उनका लंबा अनुभव शासन में और लोक सेवा आयोग में काम करने का रहा है। और इसी तरह से 4-5 जिलों के और जिलाधिकारी बदल दिए गए हैं। शासन में अगर मैं बात करूं तो राजस्व विभाग प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर के सुधांशु से हटा लिया गया है और आयुष की जगह पंकज पांडे को एक श्रम विभाग दिया गया है। इस तरह से तमाम ऐसे विभाग हैं और जो जिलाधिकारी के पद से हटाए गए आईएएस ऑफिसर हैं उनको भी अपर सचिव के पद पर अलग अलग विभागों में तैनाती दी गई है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए बीजेपी शासित प्रदेशों में अगर राजनीति के अलावा सबसे ज्यादा किसी की नजर होती है तो वो अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को भी लेकर होती है और कहीं भी अगर चुनाव होने वाले होते हैं उससे पहले सरकार में इस तरीके की चहलकदमी शुरू हो जाती है। हालांकि निकाय चुनाव को लेकर उत्तराखंड में अभी थोड़ा और समय दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन के स्तर पर भी ठीक तरीके से तैयारियां की जा रही है और इस बात का एक संदेश भी है कि अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं और जो लंबे समय से अधिकारी एक जगह पर हैं उनके कार्यभार बदले गए और विभाग बदले गए। बिल्कुल, देखिए चूंकि निकाय चुनाव भले ही एक दो महीने का उसमें विलंब हो लेकिन निकाय चुनाव तो प्रस्तावित हैं ही, निकाय चुनाव होने हैं और उसके लिए प्रवर समिति का गठन हो चुका है, वो एक रिपोर्ट अपनी देगी, एक दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है इस समय की जो ये पोस्टिंग है। तो शासन में तो शहरी विकास सचिव को नहीं छेड़ा गया है लेकिन आधा दर्जन जिलों के जिलाधिकारियों को बदल करके सरकार ने एक तो ये मैसेज दिया है कि कोई किसी तरह की सिफारिश, किस तरह की दबाव, किस तरह की लोबिंग न करे और बहुत संयम के साथ अपना काम करें और निकाय की तैयारियां करें। जी बिल्कुल।